बसम्स एवरी एवरीवन आई होप दैट यू आर डूइंग वेल सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो वी आर डीलिंग विद सादत हसन मंटोज ग्रीन सैंडल्स सो बिफोर स्टार्टिंग द टेक्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट वी ऑल नो दैट मंटो इज़ अ पाकिस्तानी राइटर ही हैड वर्कड लॉट इन द उर्दू लिटरेचर और बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर है पाकिस्तान की मतलब पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे भी लिखा है और पार्टीशन से पहले भी लिखा है इन्होंने सो वी कैन दैट मंटो स्टोरी हैड अ डीप इम्पेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द रीडर और इनके जो थीम्स हैं वो पार्टीशन पर सोसाइटी पर कल्चर पर और ज़्यादातर पाकिस्तानी जो uh, एक कल्चर uh, जो थोड़ा सा रॉन्ग साइडेड आप समझ लें कि एक ट्रू पिक्चर दिखाना अपनी जो गलत कामों की वो भी मंटो ने बहुत अच्छे से किया है सो so, uh, काफ़ी दफ़ा इन पर तकरीबन छः दफ़ा ऑफसेनिटी का भी इल्ज़ाम लगा कि ही इज़ लाइक गिविंग रॉन्ग और एक्यूज इन्फॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ़ पाकिस्तान टू द यूथ और तीन दफ़ा पार्टीशन से पहले तीन दफ़ा पार्टीशन के बाद लेकिन फिर भी कभी भी ये कन्विक्टेड नहीं हुए और uh, <coughs> ये ग्रीन सैंडल्स भी एक सोसाइटी uh, की ही डिपिक्शन है एक हस्बैंड वाइफ रिलेशन की डिपिक्शन है कि कैसे एक रिलेशनशिप में एक हस्बैंड और वाइफ आपस में बहस करते हैं या लड़ते हैं बात किसी और से शुरू करते हैं और उनकी जो लड़ाई होती है वो ख़त्म किसी और चीज़ पर होती है तो ये पूरी स्टोरी उसी चीज़ पर इवॉल्व करती है और एट द एंड हमें पता लगता है कि जो पूरी बात हुई वो एक बहुत ही छोटे मैटर पर थी जो कि आराम से भी हल किया जा सकता था तो इसके अंदर उन्होंने एक वुमेन का एक फुलिशनेस को भी ज़ाहिर किया है कि हाउ कैन बी अ वन हाउ वाइफ कैन बी सो फुलिश कि वो अपने हस्बैंड से किस तरीके से लड़ रही है और उसी दौरान uh, मतलब समझ लें कि एक हस्बैंड वाइफ का टॉलरेंस लेवल भी बताया कि किस तरीके की बात कैसे शुरू की है ओके सो रीड इट अब इस पूरे टाइम में आई डोंट थिंक आई कैन पुट अप विद यू एनी मोर प्लीज़ डिवोर्स मी वाइफ कह रही है हस्बैंड से कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ मजीद रह सकती हूँ डिवोर्स दो तो मुझे फॉर हेवन सेक वट काइंड ऑफ टॉक इट इज़ You know what? Your biggest problem is that now and then these strange fish take hold you, and you completely lose your senses. Now the wife answers the husband, and your senses like they never leave you. When are you even not drunk? I do drink, I admit, but I never get drunk without drinking the way you do, and I don't spew out nonsense. So I talk not nonsense. Is that it? When did I say that? But stop and think. What's this all about? Asking for a divorce? आई जस्ट वॉन्ट अ डावोर्स अ हस्बेंड हु कुड नॉट केयरलेस अबाउट हिज वाइफ वट एज कैन शी आस्कट फॉर अ डिवोर्स यू कैन आस्क मी एनी थिंग बट नॉट अ डाइवर्स अब देखिए ये पूरी पेज में एक बहस चल रही है कि वाइफ ने लड़ना शुरू किया अपने हस्बैंड से और हस्बैंड बार बार पूछा है कि मैंने मैं ड्रिंक करता हूँ मैं मानता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी इतना तो नहीं हूँ कि जब भी बोलूँ नॉन सेंस बोलूँ और इस तरीके से उनकी आपस में बहस शुरू हो गई है और बीवी इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई है कि आई जस्ट वॉन्ट अ डाइवोर्स तो वो कहता है तुम मुझसे कुछ भी मांगो लेकिन डाइवोर्स नहीं और वाइफ आगे से ये कहती है ऐसे जैसे तो तुम दे दोगे ताने औरतों के ठीक है एज इफ़ यू कैन रियली गिव सो नाउ दिस इज अनदर यू आर पाइलिंग ऑन मी कि अब ये नया इल्जाम तुम तो मेरे पे लगा रही हो कौन सी ऐसी औरत होगी जो तुम्हारी तरह खुशकिस्मत हो इस घर में ऑन सच फॉर्च्यून लाना तो ऐसी किस्मत पर डोंट कर सट वट सो आई लव यू डियरली ऑनेस्ट बिलीव मी अब यहाँ पर आप देखें हस्बेंड का टॉलरेंस लेवल क्या है और वाइफ किस तरीके से गॉड सेव मी फ्रॉम सच लव अल्लाह बचाए मुझे ऐसे लव से ओके स्टॉप मेकिंग दिस कॉस्टिक जाइ्स ठेल मी हैव द गर्ल्स गोन टू स्कूल अब हस्बैंड बात चेंज करें अब बीवी आगे से क्या कह रहे हैं वाई शुड यू केयर वैदर दे गो टू स्कूल और टू हेल्प और हाउ आई प्रे दैट दे मतलब ये देखें कि सवाल को कुछ जवाब <coughs> कुछ ये बारीखियाँ है एक रिलेशनशिप की जो कि मंटो ने एक्सप्लेन किया है इस राइटिंग में दैट हाउ हस्बैंड एंड वाइफ हैड अ काइंड ऑफ ऑफ बिटवीन देम सो वन डेज आई माइट हैव टू योर टंग आउट विद अ पेयर ऑफ रेड हॉट टॉग टॉकिंग सच नॉनसेंस अबाउट योर ओन डॉटर्स आर यू यूम्ड ऑफ यूर सेल्फ आई एम टेलिंग यू डोंट यूज फाउर लैंग्वेज विद मी इट्स यू हु शुड बी अशेम्ब यू टॉक टू अ हु इज योर वाइफ एज दो शी इज सम स्ट्रीट गर्ल Rather than with क्ट एंड डेफरेंस इट्स ऑल ड्यू टू द बैड कंपनी यू कीप अब ये वाइफ अपने हस्बैंड को ताने मारे ठीक है और वट द हजबीकिंग एंड द किंग यू हैव गॉट इन यूर ब्रेन वट्स द कॉज ऑफ दैट यू वट एल्स मतलब तुम्हें क्या मसला है दो तो मसला राइट right? so it's always me you have to dump on. God knows what's happened to you. अल्लाह जाने भाई तुम्हें क्या हुआ है अब फिर बीवी लड़ी है मतलब बात बताने के बिधा बात कुछ भी नहीं आप देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ पे हो रहा है व्हाट्स हैपन टू मी nothing it's you who's gone off his rocker always breathing down my neck i have told you i want a divorce <coughs> Ab husband कह रहा है want to marry someone else tired of me shame on you what kind of woman do you take me for तू मुझे किस तरह की औरत समझता है now see के इनकी बहस कितनी लंबी बढ़ती जाएगी और you will see के कोई बात ही नहीं निकलेगी एंड पे so why do you want a divorce what will you do i'll get the hell out of here go anywhere that i can find a room I'll work, work hard to put food on the table for my kids and myself. You, working hard, huh? You get up at nine in the morning and go back to bed after breakfast. After lunch, you take a three-hour nap. Hard work, huh? Don't deceive yourself. Oh yeah, I'm the one who's sleeping all the time, and you, you're awake all day long. Just yesterday, your office boy was here. He was saying that our officer sahab is always dozing off with his head on his desk. Who was that son of a bitch? Now just see, uh. हाउ द डिस्कशन चेंजेस कि जो एग्रीमेंट जो इतनी बड़ी एक वो चल रहा था बहस इनकी चल रही थी आर्ग्यूमेंट तो कैसे चेंज हुआ माइंड योर टंग ओ आई एम जस्ट फ्यूरियस वैन यू आर एंग्री इट्स हार्ड टू कंट्रोल यूर टंग आई एम एंग्री टू एग्री एट यू बट आई हैवेंट यूज सच फिल दैंगवेज वन मस्ट नेवर ओवर स्टेप द लिमिट्स ऑफ प्रपेरिटी अब मैं ये पूरा रीड नहीं कर रही ठीक है लेकिन अब आप बस ये देखें कि इसमें कितनी बहस इन्होंने लगाई हुई है ये uh, yeah. अब यहाँ पे एक बात होती है ठीक है कि आप किन लोगों के साथ घूमते हो क्या करते हो उसने वो सारा बताया <coughs> इस तरीके से ठीक है कि मुझे अब डिवोर्स चाहिए डिवोर्स से बहस हो रही है इवन अ वर्ड फुल ऑफ लव मेक्स योर लाइफ हेल इज़ देयर क्योर फॉर इट यस देयर इज़ डिवोर्स अब डिवोर्स डिवोर्स ही चल रहा है मेहर पे आ गए यहाँ पे एक चीज़ है जो कि मैं आपको बता दूँ कि इधर जो हमारे पास uh, वाइफ की थोड़ी सी कनिंगनेस भी आपके पास आपको शो होगी जस्ट मिनट वाइफ की कनिंगनेस आपको इस तरीके से शो होगी बिकॉज शी इज नॉट फर्स्ट शी वॉज डिमांडिंग डिवोर्स बट व्हेन शी नोज दैट द ऑप्शन ऑफ द मेहर विल बी कट ऑफ सो शी इज जस्ट लाइक आस्किंग हजबेंड टू गिव डिवोर्स नॉट आस्किंग हर सेल्फ ओके लिसन हाउ आई एम आई गोइंग टू सेंड फोर मी लगने के हजबेंड ने कहा यस देर इज़ डिवोर्स ऑल राइट देन सेंड फॉर अ मोलवी कि तुम जाके मोलवी बुलवाओ अब बीवी कह रही है कि नहीं मैं तो नहीं मोलवी बुलाऊंगी क्यों क्योंकि अगर उसने मोलवी बुला लिया तो उसका महर कहा ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो इस वजह से डिवोर्स का क्वेश्चन यहाँ पर ही बीवी ख़त्म कर देती है क्योंकि द क्वेश्चन ऑफ पेमेंट डजेंट अराइज इफ़ वाइफ डिमांड्स द डिवोर्स ठीक है यहाँ पर अब बीवी चुप कर गई है

अब आगे वो शुरू हो गए हैं एज इफ़ यू डोंट नो जस्ट यस्टरडे और द डे बिफोर यू वाइप यूर शूज़ और माई ब्रांड न्यू साड़ी आई डिड नॉट आई सो सो मे बी इट वॉज द हु डिड ऑल आई नो इज़ दिस यूर थ्री डॉटर्स वाइपिंग देयर शूज विद योर साड़ी आई इवन स्कोल्डेड दैम ठीक है अब देखें ये बात कहाँ से शुरू हुई थी बिल्कुल शुरू से और अब कहाँ तक आ रही है अब इल मैनर्ड आ गए ठीक है <laughs> यहाँ पे भी इनकी लड़ाई हुई यहाँ पे भी इनकी लड़ाई, लड़ाई अब यहाँ पे बीवी पैसों पे आ गई है कि तुमने जो पैसे दिए थे वो तो मुझे पूरे नहीं होते साठ रुपए मैंने इसमें दे दिया और ये फ्रॉक्स के लिए दे दे मेरे लिए तो पैसे बचे ही नहीं ठीक है तो इस तरीके से अब वो लड़ रही है ईद है कल अब एंडिंग कहाँ से होती है सुने येस येस आई नो आई एम ऑर्डरिंग टू चिकन्स सेविया टू एंड यू वट प्रिपरेशन हैव यू मेड नथिंग हाउ कैन आई वाई आई वॉन्टेड टू वेयर अ ग्रीन साड़ी टुमोरो आई हैड ऑर्डर अ पेयर ऑफ ग्रीन सैंडल्स टू गो विद इट सो मेरी टाइम्स आई आस्क यू टू फाइंड आउट फ्रॉम द चाइनीज शू शॉप इफ़ दे वर रेडी बट वाई वुड यू वन डिड आई मीन अ थिंक टू यू फोर हैव एन सेक ना आई सी सो ऑल दिस बेकर द ग्रीन सैंडल्स बट आई ऑलरेडी गॉट देम टू डेज गो द पैकेज इज इन योर क्लोज एड यू प्रोबेवली नेवर ओपन इट यू आर ऑलवेज लीविंग अराउंड ओल्ड डे लॉन्ग ये था एंड यानी कि ये जो पूरी बहस यानी कि इतनी छोटी सी बात जो डाइवोर्स तक आ गई इतनी बड़ी बात तक आ गई वो सब किस लिए थी वो सारी बहस सिर्फ एक ग्रीन सैंडल्स के ऊपर सो मंटू हैज़ बेसिकली डिपेक्टेड वेरी ब्यूटिफुली कि किस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मतलब औरतें इतनी बेवकूफ़ होती हैं एक तरीके से कि बगैर किसी वजह के और बग़ैर uh, किसी बात को नॉर्मली एक्सप्लेन किए लड़ा के और उस चीज़ को बढ़ा कर एट द एंड आपने जब आना ही ग्रीन सैंडल्स पर तो वही चीज़ आप पहले क्यों नहीं बता रहे सो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ बेसिकली एक्सप्लेन बाय मंटू